मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर बायोल क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटेंट एलिमेंट्री कैनाल सलाइवरी ग्लैंड्स लिवर एंड पेनक्रियाज। तो आज हम कुछ स्लाइड के माध्यम से ये चार टॉपिक कवर करेंगे। पीछे हमने आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल यानी माउथ से लेके पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है एनस तक यानी स्मॉल इंटेस्टाइन तक लार्ज इंटेस्टाइन कवर किया था। आज हम थोड़ा डाइजेशन कौन कौन ग्लैंड्स सहायता करती हैं उनके बारे में थोड़ा आज हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपनी क्लास आज चालू करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी जब खाना हम माउथ से लेते हैं वो धीमे धीमे ओएसोफेगस के रास्ते से स्टोमक में पहुँचता है, स्टोमक से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से डायरेक्ट रेक्टम के जरिए बाहर एनस से निकल जाता है। तो इन बीच में कुछ ग्लैंड्स हैं जो खाना को पचने में सहायता करती हैं। तो वो एक माउथ में पाई जाती है जो सलाइवरी ग्लैंड है। उसके बाद थोड़ा ज़रा नीचे आएंगे ओएसोफेगस, तो सिंपल खाना माउथ से स्टोमक तक पहुंचा देती है। उसके बाद उसमें स्टोमक के आसपास में लिवर और पेनक्रियाज रहता है ड्यूडनम और स्टोमक के बीच में। तो ये क्या है, ये अपना जूस सीक्रेट करती हैं जो खाना को पचाने में सहायता करती है। तो आज इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज, तो हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, लेकिन थोड़ा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज़ द ट्रैक्ट फ्रॉम द माउथ टू द एनस, मतलब जो ये आहार नली है, ये आहार नाल है, ये माउथ से शुरू होकर एनस पे ख़त्म होती है। कार्य, फूड टेकन इन थ्रू द माउथ, खाना माउथ में लेते हैं वहाँ 30% डाइजेस्ट होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब एनर्जी और बाद में ये सब स्टोमक में, मतलब ये सीधी सी बात है। एलिमेंट्री कैनाल काम क्या है, माउथ से खाना हम लेंगे, थोड़ा डाइजेशन होगा, फिर स्टोमक में थोड़ा होगा, वहाँ से जो भी डाइजेशन होने के बाद एनर्जी मिलेगी और जो वेस्ट मटेरियल है वो फीकस हमारे एनस के जरिए बाहर मॉर्निंग में निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है। तो माउथ, ओएसोफेगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स आर ऑल द पार्ट्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी एलिमेंट्री कैनाल में जो ऑर्गन्स आते हैं वो माउथ है, ईसोफेगस है, स्टोमक है, इंटेस्टाइनल है। सीक्वेंस नीचे लिखा हुआ है, अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस क्या है तो याद रखिएगा, नीचे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी ये डायग्राम बता दिया है पूरा एलिमेंट्री कैनाल से, माउथ से, ईसोफेगस से, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग, उसमें थोड़ा हम लोग डिटेल में जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या था, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनके बारे में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल से जो खाना आता है उसमें ये ग्लैंड्स को सहायता करती हैं खाना को पचाने में। पहली कौन सी है, सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ में पाई जाती है। दूसरा कौन सा है, लिवर जो लार्जेस्ट ऑर्गन है। तीसरा कौन सा है, पेनक्रियास। तो ये क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं जो केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं और अलग अलग ऑर्गन में पहुँचाती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, जिससे खाना आसानी से पच जाए और उससे हम एनर्जी ले सकें और अपना आगे कार्य कर सकें। तो आज हम पढ़ते हैं पहली स्लाइड के बारे में क्या है, पहली ग्लैंड के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड। तो देखते हैं हम लोग आज सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ में पाई जाती है उसका क्या कार्य है। तो सलाइवरी ग्लैंड का कार्य होता है सलाइवा प्रोड्यूस करना, यानी सलाइवा यानी थूक को निकालना। थूक सलाइवा क्या काम है, हाँ पहले वो फर्क बाद में बताते हैं, पहले देख लेते हैं। सलाइवा इज़ अ क्लियर लिक्विड, एक तरीके से प्योर लिक्विड है। प्योर कहने मतलब दिखने में वाइट, क्लियर, मेड बाय सेवरल ग्लैंड्स, और ये तीन ग्लैंड से मिलके बना होता है अपने माउथ में। प्रोड्यूस्ड इन सलाइवरी ग्लैंड्स, क्या सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, यानी तीन जो ग्लैंड्स हैं वो प्रोड्यूस करता है। सलाइवा इज 90% सलाइवा में 90% वाटर पाया जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट, Na+, वही आयन और कैटाइन, म्यूकस यानी जो थूक तरीके से एक गीलापन, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड, कुछ एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड भी होते हैं और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जैसे उस एंजाइम का नाम है टाइलिन, जो कहाँ मिलेगा, माउथ में। तीसरे पे आते हैं, इट कंटेन इम्पोर्टेंट सब्सटेंस दैट अवर बॉडी नीड टू स्टार्ट फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन, यानी जो खाने का पहला स्टेप है
डाइजेशन होना वो कहाँ से होता है? माउथ से। किसकी हेल्प से? सलाइवा की हेल्प से। याद रखिएगा ये बात, ब्रैकेट में लिखा है, मेंशन किया है, इट मींस दैट द ह्यूमन डाइजेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम माउथ। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन में डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो माउथ से। अप्रॉक्स 30% डाइजेशन माउथ में हो जाता है, यानी जो भी स्टार्च है, खाना हम खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, और वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है माउथ से। तो इसलिए हम कह सकते हैं पहला डाइजेशन प्रोसेस माउथ से शुरू होती है। किसके हेल्प से? टैलिन एंजाइम की हेल्प से। द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ सलाइवा इंक्लूड मॉइस्टनिंग ऑफ फूड, मतलब खाना देखो टाइट रहता है, जो भी रोटी हम खाते हैं वो कैसे रहता है? टाइट। यहाँ पे देखिए क्या 30% माउथ में डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो फंक्शन क्या है? सलाइवा इंक्लूड मॉइस्टनिंग ऑफ फूड, तो खाना टाइट होता है हम लोगों का, तो एक तरीके से उसको गीलापन देने के लिए, क्योंकि वो जब अंदर ली लेंगे तो रगड़ ना जाए खालों में, इसलिए थूक का बहुत बड़ा रोल है इस काम में। दूसरा, हेल्प टू क्रिएट अ फूड बोलस, वही चीज़, जब भी सलाइवा यानी थूक खाना से मिलता है तो उसे बोलस कहते हैं, तो इसकी सहायता से खाना आसानी से निगला जा सकता है। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चे की तस्वीर बनाई हुई है, जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ से सलाइवा निकाल रहा है ये। तो कुछ क्वेश्चन, ये 30% डाइजेशन अगर होता है माउथ में, और इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग ज़रा याद कर लीजिएगा। आगे अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दूसरी ग्लैंड के बारे में। नहीं, इसी में, अभी सलाइवा में जो ग्लैंड निकलती हैं वही हैं अभी। ठीक है, तो जो सलाइवा है अपनी, वो मेनली 3 सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, पीछे क्लास में बताया था। पहली पैरोटिड्स ग्लैंड्स, जो चिक में पाई जाती है। कहाँ पे? चिक में। ये देखिए, ये दिखाया गया है फर्स्ट, कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, दूसरी सब मैंडी बुलर ग्लैंड्स, कौन सी है? सब मैंडी बुलर ग्लैंड्स। ये देखिए, ये है दूसरी, जो कहाँ है? लोअर जो, यानी जबड़े के नीचे। तीसरी कौन सी है हम लोगों की? सब लिंगुअल ग्लैंड, जो बिलो द टंग, जो ये जीभ के नीचे पाई जाती है। ये तीनों ग्लैंड्स हैं जो क्या करती हैं? हेल्प करती हैं क्या करने के लिए? सीक्रेट सलाइवरी जूस। किसके लिए? जिससे खाना आसानी से निगला जा सके और 30% डाइजेशन माउथ में हो जाए। इस खाना को पचने में ये सहायता करती हैं तीन ग्लैंड्स। तो इन तीनों को मिला के सलाइवरी ग्लैंड का नाम दे देते हैं। सलाइवा कंटेन द एंजाइम, सलाइवा के अंदर वो एंजाइम कंटेन करता है कौन सा? अमाइलेज, जो क्या करता है? स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में और डेक्सट्रिन में। ये जरा एक बार दोबारा देख लीजिएगा, सलाइवा कंटेन एंजाइम कौन सा? अमाइलेज, जो क्या करता है? स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज और डेक्सट्रिन में। पॉइंट याद रखिएगा इसको। उसके 10 डाइजेशन ऑफ फूड अकर विद इन द माउथ, इसकी सहायता से खाना डाइजेस्ट होता है माउथ में, इवन बिफोर फूड रीच द स्टोमक, यानी स्टोमक से पहुंचने से पहले माउथ में भी खाना पचना चालू हो जाता है। अब आगे देखते हैं, तो ये हमारा सलाइवा की बात पूरी हो गई। अब दूसरी ग्लैंड कौन सी है? लिवर। ठीक है, अब लिवर वही जो स्टोमक के आसपास में होगी, तो स्टोमक में काफ़ी जूस एंजाइम पाए जाते हैं, कोई ग्लैंड नहीं होती है। तो हम आगे वो आप लोगों को पीछे स्लाइड में बता चुके हैं, यानी पीछे वाला जो वीडियो था उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें बताया है स्टोमक के बारे में कि किस तरीके से डाइजेशन होता है। आगे हम अभी बात करते हैं सेकेंड कौन है? लिवर। लिवर के बारे में देखते हैं इंट्रोडक्शन में। लिवर इज़ अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, याद रखिएगा लिवर है वो सबसे बड़ी ग्लैंड है अपनी बॉडी की, जिसका कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर दिखने में। अगर देखेंगे इसको बाहर निकाल के, मतलब कोई अगर आप लोग कहीं जाते हैं प्रैक्टिकल के तौर पे, तो वहाँ अगर देखेंगे तो ब्राउन कलर में जहाँ तक लिवर दिख जाता है, ऐसे नहीं दिख जाएगा या तो वो किसी का ऑपरेशन हो रहा हो तब दिख सकते हैं। आप लोग चाहें कि ऐसे ही किसी की बॉडी में बाहर टपक पड़ेगा, देख लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर जब एनाटॉमी देखेंगे तो रेडिश ब्राउन में दिख जाता है। वेट लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम इन अडल्ट ह्यूमन में रहता है। छोटे बच्चे तो उनमें कम होगा, क्योंकि अभी वो ऑर्गन डेवलप नहीं हुए अच्छी तरीके से, तो थोड़ा वजन कम होगा उनके में, लेकिन अडल्ट में 1.2 से 1.5 किलोग्राम रहता है। लोकेशन, इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोनमल कैविटी। एब्डोनमल कैविटी क्या होती है? लार्जेस्ट होलो स्पेस, एक स्पेस है ठीक है, बॉडी यानी पेट के आसपास में एक स्पेस रहता है, होलो स्पेस, खाली जगह।
तो वहाँ पाया जाता है। इट इज़ इट्स अपर बाउंड्री इज कॉल्ड द डाइफ्राम। हाँ, जो लिवर के ऊपर वाली बाउंड्री है, मतलब लिवर के ऊपर कौन रहता है? डाइफ्राम, यानी जहाँ लंग्स रहते हैं, ठीक है, यानी लिवर के ऊपर डाइफ्राम रहता है। एबव द लेफ्ट द स्टोमक, और स्टोमक के ऊपर और थोड़ा लेफ्ट साइड में, और बिलो द लंग्स, ये क्या है? लिवर का लोकेशन है। तो ये वैसे आपका क्वेश्चन, मतलब बड़े क्लासेस में, हायर क्लास में ये लोकेशन याद करने वाली चीज़ है। आप लोग यही याद रखिए कि इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी बताई दी है, जो बॉडी में एक हॉलो स्पॉट होता है बीचों बीच में, वहाँ पे लिवर हमारा पाया जाता है। आगे थोड़ा इसका, ये देखिए लिवर का डायग्राम है, ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये वाला, ये जो ब्राउन रंग में है, ये हमारा लिवर है, ठीक है। आगे थोड़ा हम लिवर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये लिवर के बारे में थोड़ा देखते हैं, लिवर इन डिटेल। लिवर कंसिस्ट टू लोब्स, यानी इसके कितने लोब होते हैं? दो। कितने लोब होते हैं? दो। आर सेपरेटेड बाई फैल्सीफ्यूरम लिगामेंट। जब आप लिवर को एनाटॉमी में देखेंगे तो वहाँ पे हमको इसके दो लोब दिखेंगे, जो एक लिगामेंट है जिसे अटैच रहता है, अटैचमेंट फैल्सीफ्यूरम लिगामेंट उसको कहते हैं। लोब्यूल आर द फंक्शन यूनिट ऑफ लिवर, जो लोब्यूल है वो लिवर का फंक्शनल यूनिट है। एंड कंसिस्ट मिलियन ऑफ सेल, जिसमें बहुत सारी सेल मिलियन ऑफ सेल मिलकर क्या बनाती हैं? हेपेटोसाइट, ठीक है। ईच लोब्यूल इज़ कवर्ड बाई थिन कनेक्टिव टिश्यू, जो जितने भी लोब्यूल हैं, जो लिवर की यूनिट है, वो किससे कनेक्ट रहती है? ग्लिसियंस कैप्सूल से, जो किसकी बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू शीत की। ये पॉइंट ज़रा याद रखिएगा। दूसरा, तीसरा पॉइंट, द बाइल सीक्रेटेड बाई हेपेटिक सेल, यानी बाइल, यानी जो फैट पचने का जरिए, जिसकी वजह से फैट पचेगा, वो किसकी वजह से? बाइल की वजह से। तो बाइल ये कहाँ से सीक्रेट होता है? लिवर से। पॉइंट याद रखना, क्या कि जो बाइल है वो सीक्रेट होता है लिवर से। आगे पढ़ते हैं, द बाइल सीक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल द्वारा सीक्रेट हुआ, पासिस थ्रू हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट होती है, यानी हेपेटिक मतलब लिवर होता है, ठीक है, हेपेटिक वर्ड लिवर को बोला गया, तो हेपेटिक डक्ट होती है वहाँ, उसके सहायता से ये बाइल आज सीक्रेट होता है। और एक जगह है थिन मस्कुलर सैक, उसी के पास में क्या? गॉल ब्लैडर। ये देखिए यहाँ इंडिकेशन किया गया है, गॉल ब्लैडर, ये रहा, ये जो एरो गया है, ये देखिए गॉल ब्लैडर, यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे हमारा बाइल स्टोर रहता है। तो कन्फ्यूज़न मत होइएगा आप लोग, जो लिवर है वो बाइल सीक्रेट करता है, ठीक है, और जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल को स्टोर करता है, ठीक है। काम क्या है इसका? बाइल का फैट को तोड़ना, किसको? जो फैट हम खाते हैं, जो फैट यानी कैसे बोल रहे हैं, घी हुआ और ब्रेड हुए, तो जो भी हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, उन्हें हमारा कौन पचाता है? बाइल। सीक्रेट करता है लिवर, स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। ये लाइन थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक डक्ट है, मतलब एक रास्ता है, क्या? गॉल ब्लैडर का दूसरा नाम है सिस्टिक डक्ट, क्या है? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गॉल ब्लैडर का दूसरा नाम है सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर का, ठीक है, अलोंग विद हेपेटिक डक्ट। जब ये हेपेटिक डक्ट यानी सिस्टिक डक्ट हेपेटिक डक्ट से मिलती है, हेपेटिक मतलब लिवर, यानी गॉल ब्लैडर लिवर से मिल रहा है, तो दोनों नहीं मिल रहे, मतलब जो डक्ट रास्ता आया है, गॉल ब्लैडर का रास्ता जब हेपेटिक लिवर के रास्ते से मिलता है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? ये एनसीईआरटी लाइन है, कॉमन बाइल डक्ट। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या? गॉल ब्लैडर है, उसका रास्ता जब लिवर के रास्ते से मिलता है, तब ये कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद नीचे आइए, नीचे पॉइंट में, वेन बाइल डक्ट, अब जो बाइल का रास्ता है, ठीक है, जहाँ से बाइल निकलेगा, यानी गॉल ब्लैडर का रास्ता है, जब वो पेनक्रियाटिक यानी पेनक्रियास के डक्ट में ओपन होता है, जो कि ड्यूडनम में है, मतलब ड्यूडनम के आसपास में है, तब हम उसको कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, ठीक है, क्या? कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। एक बार फिर समझिए, गॉल ब्लैडर का रास्ता जब लिवर के रास्ते से मिलता है तो उसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, और जब वही बाइल डक्ट का रास्ता किससे मिलता है? पेनक्रियाटिक डक्ट से, तब उसे हम क्या बोलते हैं? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, जो ये है यहाँ पे लास्ट में। तो जो हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो किससे गार्डेड रहता है? स्पिनक्टर ऑफ ओडाई, नाम मतलब एक क्या, एक गार्ड लगा हुआ है
जो कंट्रोल करता है क्या चीज़ जाए क्या चीज़ ना जाए, अचानक ऐसी उल्टी सीधी दर्द ना हो जाए, तो वो कौन कंट्रोल करता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई कहाँ रहता है? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट यानी बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट के लास्ट पॉइंट में। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए। आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो लिवर हम लोगों ने पढ़ लिया, डिटेल पढ़ लिया। नेक्स्ट आता हम लोग पैनक्रियास के बारे में पढ़ते हैं। पैनक्रियास, पैनक्रिया का स्ट्रक्चर बनाया है, थोड़ा कम दिख रहा है, चलो कोई नहीं, ऐसे समझ लीजिए। पैनक्रियास है ये एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है, ये ग्लैंडुलर ऑर्गन है, एब्डोमेन में ही लोकेटेड रहता है। क्रीमी पिंक ग्लैंड, जब इसे वो एनाटॉमी देखोगे इसकी, आप कहीं ऑपरेशन होगा किसी का तब, तो ये पिंक क्रीमी पिंक कलर की दिखाई देगी। इसका वेट अप्रॉक्स 60 ग्राम होगा। इट मेक पैनक्रियास जूस, याद रखिएगा, क्या ये पैनक्रियास जूस निकालता है जिसमें कुछ एंजाइम रहते हैं और जो खाना को पचाने में हेल्प करते हैं और कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। बॉडी देखते हैं इसकी क्या क्या रहता है इसमें। तो जो पैनक्रियास है, वैसे आपको दिखेगा तो नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। जो ये देखिए, ये जो ऑरेंज कलर का है इसमें दिखाया गया है, ये पैनक्रियास है। क्या है पैनक्रियास? तो ये हेड है जो ड्यूडनम के थोड़ा ऊपर रहता है। बॉडी है जो स्टोमक के, ये देखिए स्टोमक ये रहा ये, और इसके नीचे ये रहा क्या इसकी बॉडी। उसके बाद नैरो यानी इसकी टेल होती है, वो कहाँ, किडनी नहीं दिखाई गई है इसमें, तो किडनी के थोड़े फ्रंट साइड, लेफ्ट फ्रंट साइड में पाई जाती है। ये तो इसकी लोकेशन हो गई। अब एक चीज़ और, पैनक्रियास इज़ ए बोथ एक्सोक्राइन इंडोक्राइन, ये कहीं मत भूलना। ये कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों होती है, तो वो कौन सी है? पैनक्रियास। एलंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ यू शेप, वही बताया जैसे यू शेप ड्यूडनम होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, उसके ऊपर रहती है कौन? पैनक्रियास। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होती है? वो एक्सोक्राइन का काम, यहाँ पहले काम क्या है इसका, कि ये पैनक्रियाटिक जूस निकालती है जिसमें एंजाइम होते हैं। इंडोक्राइन का काम क्या है? ये हार्मोन सीक्रेट करता है, कौन कौन से? इंसुलिन एंड ग्लूकोजन। ठीक है, तो ये पैनक्रियास तक हमारा आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। एक्सोक्राइन वो होती हैं जो डक्ट के रास्ता से कुछ चीज़ पहुँचाएँ, और जो इंडोक्राइन वो होती हैं जो डक्टलेस होती हैं, सीधा ब्लड से होके जो भी चीज़ें हार्मोन है वो पहुँचाना है, सीधा ब्लड के रास्ते से पहुँचा जाए, कोई इसमें डक्ट नहीं रहती है। तो यहाँ पे हम लोग आज की क्लास फिनिश करते हैं। नेक्स्ट में आप लोगों को क्वेश्चन और कुछ चीज़ें देखने को, जो दो वही बात, नाउ आवर फिजियोलॉजी ऑफ डायजेस्टिव सिस्टम इज़ कम्प्लीटेड, हमारी क्लास कम्प्लीट हुई। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग दो तीन दिन में आ जाएगी, उसमें हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड कवर करेंगे, यानी कौन कौन से एंजाइम कौन कौन सा ऑर्गन निकालता है वो चीज़ बताएंगे, और कुछ इसके क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरीके से हम बताएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन बाहर परेशान ना होइए, जो क्वेश्चन पिछले प्रीवियस हो सकता है पेपर में आए हैं वही दे दिए बताए जाए उनके बारे में, या फिर किस तरीके से क्वेश्चन करना है 12th बेसिस पे, 11th बेसिस पे, 10th बेसिस पे, तो उसके बारे में थोड़ी एक दिन वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को जानकारी देंगे। थैंक यू क्लास।